तो आपका क्वेश्चन है कि कोविड के बाद क्या स्कोप रहने वाला है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, राइट? तो पहली बात तो एवरी बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग करना है, ये पहले भी कोविड से पहले भी था और कोविड के बाद में भी आप कर रहे हो, बहुत सारे बिजनेस कर रहे हो। पहले क्या था कि बहुत सारे लोग कोविड से पहले इतने अडॉप्ट नहीं हो रहे थे कि भाई मैं सोशल मीडिया पे जाऊँ और कुछ ऑर्डर करूँ या फिर मैं फेसबुक वेबसाइट पे जाऊँ और कुछ ऑर्डर करूँ। लेकिन कोविड में क्या था, पूरा बंद था, पूरा स्टॉप था। इसकी वजह से क्या हुआ कि सारे लोग जो है कि भाई मेरे को तो कुछ ऑर्डर करना है और मुझे मिल नहीं रहा। इसेंशियल सर्विस चालू थी लेकिन कोविड का डर ही इतना था कि मैं बाहर जाऊंगा तो बाहर से अंदर कोरोना तो नहीं लाऊंगा, तो इसलिए लोगों ने स्टार्ट किया कि भाई ऑर्डर ऑनलाइन। तो आज वो ऑर्डर ऑनलाइन का क्या बिहेवियर हो रहा है कि सारे बिजनेसेस को ये पता चल गया है कि मेरा बिजनेस डिजिटली होगा तो मुझे कस्टमर ऑनलाइन भी मिल सकता है, फेसबुक से मिल सकता है, इंस्टाग्राम से मिल सकता है, गूगल से मिल सकता है, यूट्यूब से मिल सकता है, वेबसाइट से मिल सकता है, तो सभी तरह से मिल सकता है। तो मुझे बताओ आपने कितना यूज किया है डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया लॉकडाउन में? तो मुझे तो लगता है कि सारे लोग मोबाइल पे थे, बस एक ही न्यूज चल रही थी कि कोविड में इतने नंबर बढ़ गए, इतने कम हुए, इतने रिकवर हो गए, इतना ये हुआ वो हुआ, तो एवरीवन इज ऑन मोबाइल। तो मोबाइल जितना बढ़े, जो कोविड में जितना यूजर्स का डेटा जो कंजम्पशन बढ़ गया वो इससे पहले कभी नहीं बढ़ा, इसलिए आज हैबिचुअल हो चुका है लोग डिजिटल मार्केटिंग से और सोशल मीडिया से, उनसे और इसलिए एवरी बिजनेसेस को आज भी लगता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग ही फ्यूचर है एवरी मार्केटिंग में। तो जितने भी लोग आज डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है सीखने का, तो इसमें आप जरूर सोचिए इसके बारे में, करियर के बारे में। और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग फील्ड है या फिर एक ही काम होता है। जितना आप क्रिएटिविटी बढ़ाओगे, अभी मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन है, हो सकता है और भी हजारों लोगों का क्वेश्चन है, तो वो उनको क्लियरिटी मिले इस वीडियो के जरिए, उनको सबको क्लियरिटी मिले भाई पोस्ट कोविड के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बढ़ रहा है। एवरी बिजनेस, जितने भी ऑफलाइन बिजनेस थे वो कोविड में बंद हो चुके थे, तो इसलिए उन्होंने भी अडॉप्ट किया भाई ऑनलाइन जाए, तो ऑनलाइन जाना ही है। जो कोई भी बिजनेस हो, नॉट ओनली रिटेल बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, एवरी बिजनेस को डिजिटली जाना ही है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनको स्किल लोग नहीं मिल पा रहे, वो डिजिटल मार्केटर में धूम देख रहे हैं बहुत सारे लोग, उनको स्किल वाले जितने परफेक्ट डिजिटल मार्केटर नहीं मिल रहे, तो ये बहुत बड़ा गैप है। तो इसलिए डिजिटल ट्रेनिंग तो है हमारे यहाँ पर, तो आपको पूरा इंप्लीमेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिकल पूरा परफॉर्म कर करके आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है, और डेफिनेटली इससे आपको फायदा होगा, राइट? और रही बात कि अभी कोविड आएगा नहीं आएगा, वो तो आपको वैक्सीनेशन तो जोर से चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बढ़ते ही रहेगा। क्योंकि आज आपने देखा होगा शार्क टैंक, तो बहुत सारे एंटरप्रेनर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे, तो ऑब्वियसली शार्क टैंक की वजह से क्या हुआ कि बिजनेस का माहौल भी क्रिएट हुआ, स्टार्टअप 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 स्टार्टअप। इसलिए जितने बिजनेसेस ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेंगे उतना मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस तो बढ़ेगा ही नहीं, राइट? तो ऑब्वियसली मार्केटिंग करना है, और सबसे पहला प्रेफरेंस क्या रहा है मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फ्री में बना रहा हूँ, इसमें मुझे क्या टीवी पे जाने की जरूरत नहीं, मैं बस वीडियो बना लिया, एडिट कर लिया और यूट्यूब पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, उसमें से व्यूज आएंगे और लोग देखेंगे, और देखने के बाद जिसको इंटरेस्ट होगा वो मेरे से इन्वॉल्व होंगे, मेरे से जुड़ेंगे और हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो आपको आज करोड़ों रुपए टीवी पे डालने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, टीवी पे डालो पैसे खर्च करो, रेडियो टीवी न्यूज़पेपर बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते थे मार्केटिंग में, लेकिन आज इतना करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया पे भी वायरल हो सकते हो, रील से भी वायरल हो सकते हो, शॉर्ट से भी वायरल हो सकते हो, सिर्फ आपको कंटेंट अच्छा बनाना चाहिए, राइट? तो आफ्टर द कोविड डेफिनेटली विल बी अ ग्रेट रिस्पॉन्स रहेगा, राइट?